थाना साहबगंज क्षेत्र में डुमरी एक गांव है जहां पे एक विधवा महिला रहती हैं जिनका एक बेटा काफ़ी पहले मर गया था। मरने के बाद परिवार वालों ने उसके शव को कर्मनाशा नदी में प्रवाहित कर दिया था। कुछ दिन पहले दो बाबा उस महिला के यहाँ आए तो महिला ने उनसे अपने बच्चे के बारे में बताया तो बाबा ने 50,000 रुपये में पूजा करके बच्चे को जीवित लौटाने की बात की और बड़े सुनियोजित तरीके से एक बच्चे को लेकर के जो लगभग 25 साल के आसपास का उम्र का है उनके घर पे आ जाए और पैसे की मांग की और बताया कि आपका मरा हुआ बच्चा यही है और उसकी माँ और परिवार के कुछ अन्य लोगों ने भी उसकी शिनाख्त बच्चे के रूप में की। लेकिन गांव वालों को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिस सूचना पर पुलिस तीनों को थाने ले आई। गहराई से पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों जो कथित बाबा हैं ये आजमगढ़ के रहने वाले ठग टाइप के लोग हैं और बच्चे को भी सुनियोजित तरीके से लाए थे ताकि पैसा हड़प करके फिर पलायन कर सकें। तो इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।